डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इनके मेन मेन टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट होता है लाइपेज लूप्स, सेकंड होता है साफ टी सेल, ये टी कॉपर 200B, यहाँ पे कॉपर टी 380A, यहाँ पे है कॉपर टी 220C, यहाँ पे है नोवा टी, यहाँ पे है कॉपर 7, यहाँ पे है कॉपर फिक्स, यहाँ पे कॉपर टी 380 सिलिमिलाइन, यहाँ पे मल्टीलोडेड 375, यहाँ पे लियोनो जेस्ट्रोल न्यूनजेस्ट्रेल आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइम कि इनका इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी जे स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ पॉलीइथिलीन और अदर पॉलीमर्स दैट इंसर्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल इनटू द कैविटी ऑफ द यूट्रस। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है वो किसकी बनी होती है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये किसकी बनी होती है, पॉलीइथिलीन और अदर पॉलीमर्स दैट इज इंसर्टेड बाई ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन टू द कैविटी ऑफ द यूट्रस। जो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज होती है पॉलीइथिलीन और अदर पॉलीमर्स की बनी होती है, इनको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा जो यूट्रस की कैविटी है उसके अंदर इंसर्टेड किया जाता है। नेक्स्ट है आईओडी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस बाय ब्लॉकिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्राइन ट्यूब्स। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज होती है उनका जो एक्शन और मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, ये होता है आईओडी जो क्या करती है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम टेकिंग प्लेस और ब्लॉकिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्राइन ट्यूब्स। जो यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर ये जो स्पर्म जाता है उनको ये ब्लॉक कर देती है। आईओडी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस बाय ब्लॉकिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म को जाने से ब्लॉक कर देती है और इस वजह से जो फर्टिलाइजेशन है उसको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर टी 380A विच इज अप्रूव्ड फॉर अप टू 10 ईयर ऑफ यूज एंड हैज लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस कंपेरेबल टू डेट ऑफ ट्यूबल लाइगेशन। जो कॉपर टी 380A होती है ये कब तक वैलिड होती है, टेन ईयर तक इफेक्टिव होती है। तो इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये काफी बार पूछा जा सकता है और पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। इसलिए डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो कॉपर टी 380A होती है वो 10 साल के लिए इफेक्टिव होती है। देखते हैं सम वुमेन कैन नॉट यूज आईओडीज बिकॉज ऑफ एक्सपल्सन ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट। कुछ जो वुमेन होती हैं वो आईओडी को यूज नहीं कर पाती बिकॉज एक्सपल्सन मतलब बाहर आ जाते ब्लीडिंग की वजह से और डिस्कम्फर्ट भी होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट अपन देखते हैं आईओडी की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, तो अपन देखते हैं फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड, जो फर्स्ट जनरेशन होती है जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है लाइपेज लूप्स जो कि मैंने आपको दिखाया था। सेकेंड टाइप का होता है मेडिकेटेड सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर आईओडी, जो कॉपर से बनी होती है वो सारी किसके अंदर आती है, सेकेंड जनरेशन के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि जिसकी जनरेशन पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो तीसरा टाइप भी क्या है मेडिकेटेड, जो है थर्ड जनरेशन आईओडी हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। जो थर्ड जनरेशन की जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज होती हैं वो क्या करती हैं, मेडिकेटेड होती है लेकिन वो क्या करती है हार्मोन रिलीज करती हैं। जो सेकंड जनरेशन की जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है वो क्या है कॉपर टी से बनी होती हैं, कॉपर से बनी होती हैं, कॉपर एक एलिमेंट होता है उससे बनी होती हैं। तो थर्ड जनरेशन की देखा जाए तो थर्ड जनरेशन की आईओडी होती है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज वो क्या होती है हार्मोन रिलीजिंग करने वाली होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेज यूजली मेड अप ऑफ पॉलीथिलीन और अदर पॉलीमर्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेज होती हैं जो कि मोस्टली किसकी बनी होती है पॉलीथिलीन और अदर पॉलीमर्स की। इसके अलावा डिफरेंट शेप एंड साइज लूप्स
स्पेयर्स, कॉइल्स, रिंग्स एंड बॉल्स। ये मैंने बताया डिफरेंट साइज के लूप्स होते हैं, कॉइल्स हो सकते हैं, रिंग्स टाइप की हो सकती हैं। लाइफेस लूप आर कॉमन यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगर फर्स्ट जनरेशन के अंदर पूछ लिया जाए आपसे कि फर्स्ट जनरेशन का जो इंटरप्टन डिवाइस है वो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन क्या होगा, मोस्ट कॉमन आईयूडी ऑफ फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है, इसका लिखना है लाइपेज लूप्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन लाइपेज लूप्स क्या होते हैं, देखते हैं इनके बारे में। ये डबल एस शेप मेड ऑफ पॉलीथिलीन, डबल एस शेप के बने होते हैं, जो किससे बने होते हैं, पॉलीथिलीन से बने होते हैं। इसके अलावा नॉन टॉक्सिक, नॉन टिश्यू रिएक्टिव एंड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होते हैं। कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर एक्सरे ऑब्जर्वेशन, कि जो लाइफेज लूप है वो सही लगा है नहीं लगा है, इसके लिए उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम होता है, बेरियम सल्फेट, जो कि एक्सरे ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। अटैच थ्रेड और टेल मेड अप ऑफ नायलॉन विच प्रोजेक्ट इन वेजाइना आफ्टर इंसर्शन, कि जो अटैच होता है टेल जो नायलॉन से बना होता है, विच प्रोजेक्ट द वेजाइना आफ्टर इंसर्शन, जो कि वेजाइना का ऑब्जर्वेशन या वेजाइना को एक्सरे वगैरह में दिखाने का काम करता है। इसके अलावा टेल कैन बी फेल्ट टू इंश्योर दैट लूप इज एट पैलेस, तो टेल होती है वो, उससे क्या होता है फेल किया जा सके, फेल टू इंश्योर दैट द लूप इज पैलेस, तो टेल होती है उसके द्वारा अपन फील कर सकते हैं कि जो लूप है वो अपनी जगह पे फिक्स है। फोर साइजेस ए बी सी डी, लार्जेस्ट साइज है ग्रेटर एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट एंड लोअर एक्सपल्सन रेट बट हाई रिमूवल रेट बिकॉज ऑफ पेन एंड ब्लीडिंग। जो लार्ज साइज होती है वो क्या करती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट ज्यादा देती है, एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट ज्यादा देती है, और जो लोअर एक्सपल्सन रेट होती है बट हायर रिमूवल रेट बिकॉज ऑफ पेन एंड ब्लीडिंग। जो साइज बड़ी होती है उससे क्या होता है कि वो क्या करती है, पेन और ब्लीडिंग ज्यादा होता है उससे, जिससे कि उसको ज्यादा हटाना, जो उसको हटाने की रेट होती है वो ज्यादा होती है, मतलब मोस्टली वुमेन्स उसको उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती, इसलिए उसको हटाना पड़ता है, इसलिए उसकी जो रिमूवल रेट है वो ज्यादा होती है। आगे देखो लाइपेज लूप इस तरह का होता है, इस तरह का लाइफेज लूप होता है, ये टेल है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन इंटरयूटेराइन डिवाइसेस। सेकंड कॉपर कंटेनिंग आईयूडी हैव स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, स्मॉलर इन साइज, इजी टू फिट। ये क्या होती है कि कॉपर टी इनके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग होता है कॉपर टी, कॉपर कंटेनिंग आईयूडी इंटरयूटेराइन डिवाइसेस जो कॉपर टी से होता है, स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, इनका स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिल इफेक्ट होता है, स्मॉल इन साइज देयरफॉर इजी टू फिट, इनकी साइज क्या होती है स्मॉल होती है जिससे क्या इजी फिट हो जाती है। कौन कौन से एग्जाम्पल, कॉपर 7, कॉपर टी 200, कॉपर टी 220C, इसके अलावा कॉपर टी 380 और एजी, ये जो कि 10 ईयर के लिए यूज हो सकती है, 10 ईयर इफेक्टिवनेस 10 ईयर तक इफेक्टिव होती है। मल्टी लोड डिवाइसेस सच एज ML कॉपर 250, द नंबर इंडिकेटेड सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर ऑन द डिवाइस, जो नंबर होते हैं वो क्या करते हैं, द नंबर इंडिकेट सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर ऑन डिवाइस, सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर ऑन द डिवाइस, जो नंबर होते हैं जैसे कि 380 है तो ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, सरफेस इंडिकेट सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर डिवाइस। जैसे यहाँ पे 380 है तो ये क्या, ये जो नंबर होता है ये क्या करता है, जो एरिया होता है सरफेस एरिया, जो कॉपर का सरफेस एरिया होता है डिवाइस के ऊपर उसको शो करता है। इसके अलावा एज इंडिकेट सिल्वर कोर ओवर विच कॉपर वायर इज रैप्ड, जो एज होता है ये इंडिकेट करता है सिल्वर को, सिल्वर कवर को इंडिकेट करता है,
विथ कॉपर वायर इज रैप्ड, जिसके अंदर क्या कॉपर वायर होता है वो लिपटा हुआ होता है। मल्टी लोडेड डिवाइसेज आर इफेक्टिव अप टू 5 ईयर्स, जो मल्टी लोडेड डिवाइस होते हैं उनका जो इफेक्टिवनेस होता है 5 ईयर तक होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉपर टी इंट्रायूटराइन डिवाइसेज आईयूडी। दिस आईयूडी स्मॉल डिवाइस दैट इज शेप इन फॉर्म ऑफ ए टी, जो कॉपर टी इंट्रायूटराइन डिवाइसेज होती हैं वो क्या होती हैं, टी शेप की होती हैं, स्मॉल होती हैं। डॉक्टर प्लेस इट इनसाइड द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इट कैन स्टे इन यूट्रस फॉर अप टू 10 ईयर। टिपिकल फेलियर रेट 0.8%। कॉपर टी इंट्रायूटराइन डिवाइसेज का जो फेलियर रेट देखा जाएगा तो वो फेलियर रेट 0.8% रेट देखा जाएगा, रेट देखा जाता है। इसके नेक्स्ट देखते हैं अपन इंट्रायूटराइन डिवाइसेज के बारे में आगे से डिस्कस करते हैं कि कॉपर कंटेनिंग होती है, स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिवाइस कंटेनिंग कॉपर सेल स्लेब्स और वायर डेट इज इंसर्टेड इन टू द यूट्रस। कॉपर कंपोनेंट डैमेज स्पर्म एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मीटिंग द एग ग्रेटर देन 99%। जो क्या करता है कॉपर, क्या करता है कॉपर डैमेज स्पर्म, स्पर्म को डैमेज करता है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मीटिंग द एग, मतलब ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है, स्टॉप द फर्टिलाइजेशन, स्टॉप द फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म है उसको एग्स को मिलने से रोकता है। इसकी रेट क्या होता है 99% से भी ज्यादा होती है। लॉन्गर एंड हैवियर पीरियड ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ यूज आर कॉमन बट नॉट हार्मफुल, कैन ऑल्सो बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कि जो फर्स्ट मंथ, अगर उसके इंट्रायूटराइन डिवाइस के फर्स्ट मंथ इम्प्लांट करने के बाद फर्स्ट जो मंथ होता है उसके अंदर क्या होता है लॉन्गर एंड हैवियर पीरियड्स होता है वो कॉमन होता है, हार्मफुल नहीं होता है, और इसको क्या किया जा सकता है कॉपर टी डिवाइसेज होते हैं उनको एज ए इमरजेंसी यूज किया जा सकता है। देखते ये देखो ये डिवाइसेज होती है कॉपर टी डिवाइसेज, ये ऐसे इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये इंट्रायूटराइन डिवाइस है, ये आईयूडी स्ट्रिंग है, ये वेजाइना है, यहाँ पे ये सर्विक्स है, यहाँ पे ये यूट्रस है, यहाँ पे ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ कॉपर डिवाइसेज। कॉपर डिवाइसेज के एडवांटेज जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं, लो एक्सपल्सन रेट, जो एक्सपल्सन रेट मतलब बाहर आने की रेट है वो कम होती है। लो साइड इफेक्ट पेन एंड ब्लीडिंग, लो साइड इफेक्ट जैसे कि पेन और ब्लीडिंग कम होते हैं दोनों ही। इजी टू फिट, फिट होने में इजी होती है। इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा देखो इफेक्टिव एज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव इफ इंसर्टेड विदिन 3-5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर आप इफेक्टिव एज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव इफ इंसर्टेड within 3-5 days of unprotected intercourse, अगर unprotected intercourse के बाद भी अगर इसको 3-5 days के अंदर इफेक्ट इंसर्ट कर दिया जाता है तो भी इसका पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जनरेशन जो इंट्रायूटराइन डिवाइसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, प्रोजेस्टेरोन, टी सेप डिवाइस फिल्ड विथ 38 mg ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज इन द यूट्रस एट द रेट 65 माइक्रोग्राम पर डे। मतलब जो ये प्रोजेस्टेरेट होती है हार्मोनल डिवाइस, प्रोजेस्टेरेट ये क्या होता है 38 mg होता है, इसके अंदर क्या होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिलीज रेट क्या होती है 65 माइक्रोग्राम पर डे। एक ग्राम के अंदर 100 माइक्रोग्राम होते हैं। एक ग्राम के अंदर होते हैं 100 1000 मिलीग्राम
ठीक है, ये ग्राम है, ये मिलीग्राम होता है, ठीक है। 1 मिलीग्राम होता है 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू 15 यू ट्राइन लाइनिंग सर्वाइकल मस्कोइड स्पर्म। नेक्स्ट देखते हैं, LNG-20 मैरियाना टी सेप्ट रिलीजिंग 20 माइक्रोग्राम ऑफ लियोनोजेस्ट्रोल लो प्रेगनेंसी रेट। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लियोनोजेस्ट्रेल, ये क्या होता है, ये टी सेप्ट प्लास्टिक डिवाइस इंसर्टेड इनटू यूट्रस दैट स्टेडली रिलीजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ लियोनोजेस्ट्रोल ईच डे, जेस्ट्रेल ईच डे थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस टू ब्लॉक स्पर्म एंड एग फ्रॉम मीटिंग। जो क्या करती है, जो लियोनोजेस्ट्रेल क्या होती है, क्या करती है, थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस टू ब्लॉक स्पर्म एंड एग फ्रॉम मीटिंग। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी थिकनेस बढ़ा देते, गाढ़ा कर देते, जिससे कि स्पर्म है वो एग, स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पाते, स्पर्म जो म्यूकस है उसके उसको पास आउट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो फर्टिलाइजेशन एग जो है, एग फर्टिलाइजेशन होने से रुक जाएगा। डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट विथ मेंस्ट्रुएशन ओवर टाइम इफेक्टिव लाइफ लाइफ 10 ईयर। तो ये क्या करती है कि जो मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो अमाउंट ब्लड फ्लो होता है, ब्लड लॉस होता है, उसको भी क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, और जो आवर जो इफेक्टिव लाइफ है इसकी वो 10 ईयर तक होती है। ये देखो मेरियाना जो कि थर्ड जनरेशन का इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है हार्मोनल, इसके अंदर ये क्या करते हैं, इनहिबिट स्पर्म फ्रॉम रिलीजिंग रिचिंग फर्टिलाइजिंग एग। तो ये क्या करती है कि एग जो एग है और स्पर्म को मिलने नहीं देती। थिन यूट्राइन लाइनिंग ये क्या करती है, यहाँ पे देखो थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूट्रस। यहाँ से जो स्पर्म इंटरक्रॉस होने के बाद स्पर्म आएगा, तो यहाँ पे जो म्यूकस होगा उसको क्या करती है, थिकनेस कर देगी, थिक कर देगी, तो उस वजह से जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाएगा। ये है ओरी, ये यहाँ पे ओरी हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये अंदर यूट्रस हो गया, और ये मेरियाना आईयूडी हो गई, आईयूडी कॉपर इंटरसेप्टिव डिवाइस, थर्ड जनरेशन की डिवाइस हो गई। इसके आगे देखते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ आईयूडी इंट्रायूटराइन डिवाइस कैसे काम करते हैं। कोज ए फोरिजन बॉडी रिएक्शन इन यूट्रस रिजल्टिंग इन सेलुलर एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम एंड यूट्राइन फ्लूड। जो कि ये क्या करती है कि जो अपन जो इंट्रायूटराइन डिवाइस अंदर इंसर्ट करेंगे यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस क्या करेगा, इसको फोरिजन बॉडी समझ के और रिएक्शन करेगा, जिसके अंदर क्या होगा, सेलुलर एंड बायोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, जिससे कि किसके अंदर आएंगे, एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की लेयर होती है और यूट्राइन फ्लूड्स के अंदर, ये इस तरह के रिजल्ट आएंगे। रिड्यूस विजिबिलिटी ऑफ गेमेट एंड रिड्यूस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो गेमेट्स होते हैं उनकी वायबिलिटी घटा देती है और चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो भी डिक्रीज कर देती है, रिड्यूस कर देती है। कॉपर इन आईयूडी आल्सो अल्टर्ड कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस में इफेक्ट स्पर्म मोर्टेलिटी कैप्सेशन एंड सर्वाइकल। जो कॉपर होता है जो इंट्रायूटराइन डिवाइस के अंदर होता है वो क्या करता है, अल्टर कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड में इफेक्ट स्पर्म मोर्टेलिटी कैप्सेशन एंड सर्वाइवल। जो अल्टर को जो सर्वाइकल म्यूकस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अल्टर्ड करता है, जिस जो वो क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है जो उसका कंपोजिशन होता है वो इफेक्ट करता है स्पर्म की मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल रेट को। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड थस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द सर्विक्स। जो इंट्रायूटराइन डिवाइस होती है वो क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, वो जो हार्मोन रिलीज करती है वो क्या करते हैं, इंक्रीज वेस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। जो वेस्कोसिटी होते घनत्व है, घनत्व होता है उसको बढ़ाते हैं, मतलब गाढ़ापन बढ़ाते हैं, जैसे शहद होता है गाढ़ा होता है, तो उस वजह से शहद के अंदर अपन किसी अगर किसी कीड़े मकोड़े को छोड़ेंगे तो वो शहद को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो स्पर्म होता है वो सर्विस तक नहीं पहुंच पाता है। दे मेक एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन।
ये क्या करते हैं कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अनफेवरेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, इस वजह से फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हो पाता है। चेंजेज ऑफ इंट्रायूटराइन, चेंज ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस, इनरेक्ट आईओडी सच एज लाइपेज लूप कैन बी फेल्ट एज लॉन्ग एज दे आर रिक्वायर्ड, कॉपर आईओडी नीड टू बी रिलीज ड्यू टू कोरोजन एंड मिनरल डिपोजिशन ऑन कॉपर, इनको हटा सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। सेम वे हार्मोन रिलीजिंग आईओडी नीड टू बी चेंज एज स्टोर्ड हार्मोन मे गेट एक्सक्लूड, मतलब जितना हार्मोन स्टोर था वो पूरा हो चुका है तो अपन इनको चेंज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या देखते हैं, एडवांटेज सिंपलिसिटी, सिंपल इंसर्शन प्रोसेस, नो हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की भी कोई जरूरत नहीं होती, कैन स्टे इन पैलेस एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, ये वहां पे काफी लंबे टाइम तक रह सकते हैं जहां अपन इनको रख सकते हैं यूट्रस के अंदर। इनएक्सपेंसिव, महंगे भी नहीं होते, रिवर्सिबल, इनको दोबारा यूज किया जा सकता है। आइडियल आईओडी कैंडिडेट, जो आइडियल इंट्रायूटराइन डिवाइस किसको लगवानी चाहिए, हैज गिवन बर्थ टू एटलीस्ट वन चाइल्ड, जो कम से कम एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो, नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक डिजीज, जिसकी किसी पेल्विक बीमारी की पेल्विक यूट्राइन डिजीज की कोई कंडीशन हिस्ट्री ना रही हो, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, विलिंग टू चेक आईओडी टेल, मतलब वो जो आईओडी टेल है वो उसको चेक करते रहना चाहिए, हैज एसेस टू फॉलो अप, अगर फॉलो अप के लिए भी जाना पड़े। टाइमिंग ऑफ इंसर्शन, मोस्ट परफेक्ट टाइम इज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 डेज, एज ड्यूरिंग दिस टाइम डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज मोर टू इंसर्शन इज इजी, ये जो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आईओडी होते हैं उसका इंसर्शन का मोस्ट प्रेफरेबल टाइम कौन सा होता है, तो ये होता है टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 डेज एज ड्यूरिंग दिस टाइम डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज मोर सो इंसर्शन इज इजी। इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जब एमसी पीरियड चल रहा होता है उसके टाइम करना चाहिए या फिर विद इन 10 डे, तो उस टाइम का सर्वाइकल कैनाल होता है उसका जो कैनाल होता है वो थोड़ा इंसर्शन के लिए इजी होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फर्स्ट वीक आफ्टर डीप प्रेगनेंसी, फर्स्ट वीक आफ्टर प्रेगनेंसी चांसेस ऑफ एक्सपल्सन एंड परफोरेशन आर हाई, मतलब अगर फर्स्ट वीक होता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद तो इसके चांसेस एक्सपल्सन और परफोरेशन के ज्यादा होते हैं। कन्वीनियंट टाइम 6 to 8 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के बाद लगाना हो तो 6 to 8 वीक्स के बाद लगवाना चाहिए। साइड इफेक्ट्स अपन इंट्रायूटराइन डिवाइसेस के देखेंगे, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्लीडिंग देखेंगे, ग्रेटर वॉल्यूम एंड लॉन्गर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पेन, इसके अंदर ग्रेटर वॉल्यूम एंड लॉन्गर मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, पेन होगा, पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी हो सकती है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, टॉपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड ऑफ द यूट्रस प्रेगनेंसी आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, एक्सपल्सन मतलब बाहर भी आ सकती है इंट्रायूटराइन डिवाइस, तो ये होता है यूट्रस, ये होता है आईयूडी, यहाँ पे ऐसे फिक्स होती है, ये हो गया ओवरी, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब, ये वेजाइना, ये सर्विक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।